मुद्दों पे भेंट करने पड़ते ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैंने कॉलन किया है। और ये प्रोटोकॉल एक आरटीसी विजिट है, लेकिन आरटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है, और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी के बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने, जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। उन्होंने क्या बोला? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। नहीं देखिए, बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। और परसों दिन राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है, लेकिन दिक्कत एक ये है कि हम तो डबल वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वो लोग कहते हैं फिर आरटीपीसीआर करना चाहिए, तो आरटीपीसीआर करके जाने का थोड़ा दिक्कत हमारा भी है कि हम यहाँ कहाँ जाएंगे, किधर से करेंगे। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स हैं, लेकिन दिल्ली हमारा घर है, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह है कि हमारा डबल वैक्सीन तो सबको, आइदर डबल वैक्सीन और आरटीपीसीआर, दोनों में एक होना चाहिए। तो इसी के लिए इसमें थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करने चाहूँगी, लेकिन नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम राष्ट्रपति जी को ख्याल ज़्यादा रखेंगे, उसका शरीर अच्छा रहे, उनका कोई दिक्कत ना हो, ये देखना हमारा कर्तव्य है। रीजनल पार्टी जैसा है, अभी तो देखिए सेंट्रल हॉल में जाने से सबका साथ मिल सकते थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड, हाउ डू आई गो देयर? इवन हम जाने से भी सबका साथ मिल होगा, इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल हॉल नॉट इज अलाउड नाउ इट। इसी के लिए मैंने कल, जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलने चाहते हैं, मैं थोड़ा एक टाइम किया है, जैसे हमारा एमपी लोग भी मिलने चाहता है, उसको भी कल हमने टाइम दिया, जैसे अरविंद जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको परसों में टाइम दिया है, जैसे सबना आजमी, जावेद अख्तर जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको टाइम दिया है। ऐसे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको एडजस्ट। हमारा बात नहीं हुआ, हम करेंगे आफ्टर द सेशन इज ओवर, लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में प्रोटोकॉल नहीं अलाउ करते हैं। हमने लीड करेंगे, नो कंट्री विल लीड, we are the followers. Didi, you had on July 21st you said that all opposition parties should keep their self interest aside and come together. Is it happening? The talks have started, is it happening now? I think automatically it will come. Didi केंद्र में सरकार थी, बीजेपी को पटखनी देकर बंगाल में अपनी पटखनी की मार दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या चेहरे पे जाना चाहिए, किसी को
चेहरा बनाकर या पहले लड़ना चाहिए और बाद में चेहरा तय हो 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद है विपक्ष को बहुत जल्दी। लोकसभा अभी देर है लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि कल त्रिपुरा में हमारा लड़का लग गया तो उसको सबको हाउस अरेस्ट करके रख दिया उसे का उधर का गवर्नमेंट। जैसे आपका इधर में दैनिक भास्कर पेपर का आज भी मैंने सुना 200 लोगों को रुक के रख दिया है। ये नहीं करना चाहिए। अफ्रीका साथ में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। दीदी दीदी हाउ हैज द मूड दीदी Yes, we won that within the stipulated time. What election commission said, I mean, because now the constitutional of Bengal is okay, now it is about 1%. When the eighth election was there, then 33%. So it came down from 33% to 1%. So now the situation is okay. Now if the third wave comes, then they cannot hold the election. So wherever is the by-election and small election is there, they can do it. We will also do the same thing. Didi, how was the mood in your meeting with the Prime Minister? What was the mood? Mood was, मैं जीत के बारे में कोई बात नहीं हुआ है। Mood was good and he was quite okay, I think so. আপনারা ভালো থাকুন, বৃষ্টিতে ভিজবেন না। আপনারা মুকুলের বাড়িতে গিয়ে বসছেন না কেন? মুকুলের বাড়িতে देखिए हर आदमी को उम्मीद का साथ नहीं काम करना पड़ता है। अगर उम्मीद नहीं रहता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। सोनिया गांधी, सो कांग्रेस इज डेफिनेटली विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट दैट यू आर ट्राइंग टू स्टेट। व्हाट इज योर पोजीशन ऑन दैट? इज यू सी इन डेमोक्रेसी इफ यू वांट टू फाइट यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट पार्टी टू पार्टी। Whoever is a like minded party, everybody must work together. কিন্তু ভিড়ছে জ্বর হচ্ছে তারা মুখে দাঁড়িয়ে দেখো। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से वह मुखातिब थी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही है। चुनाव पर जीत के बाद उनकी कोई भी बातचीत पीएम से इस बारे में नहीं हुई है। प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी से यह मुलाकात हुई है जिसका जिक्र करती हुई वो नजर आ रही थी। हमारे राज्य को ज्यादा वैक्सीन चाहिए आबादी के हिसाब से। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना पर हमने काबू पा लिया है लेकिन उसके बावजूद जनसंख्या के हिसाब से हमें कम वैक्सीन मिली है जिसका जिक्र मैंने इस मुलाकात के दौरान किया है। बंगाल राज्य के नाम बदलने पर भी चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा और जब उम्मीदों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उम्मीदों के साथ ही काम करना पड़ता है। उम्मीदें अगर खत्म हो जाती हैं तो फिर जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकती है।
ममता बनर्जी चुनावी जीत के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली पहुंची हैं और यहां पर एक के बाद एक लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम है। आपको आज बता दें कि ममता बनर्जी ने कई कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात की है, हालांकि सभी को अपना दोस्त बताया है और ये कहा है कि पुराने दिनों को हमने याद किया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 4 बजे उनकी मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात हुई, अच्छे संदर्भ में बातचीत हुई है। हालांकि चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री से वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत की है कि आबादी के हिसाब से हमें कम वैक्सीन मिली है, हमें और ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। जासूसी कांड पर सर्वदलीय बैठक बुलाए प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की ओर से यह बात भी कही गई। राम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था, ये विजिट हमारा पूरा पार्टी से विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है और ये प्रोटोकॉल ही काटी सी विजिट है। लेकिन काटी सी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है, तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी के बारे में मेरे को चर्चा हुआ है, बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। नहीं देखिए बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है, तो हम लोग पुराना दिन का बात नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। और परसों दिन राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है, लेकिन दिक्कत एक ये है कि हम तो डबल वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वो लोग कहते हैं फिर आरटीपीसीआर करना चाहिए, तो आरटीपीसीआर करके जाने का थोड़ा दिक्कत हमारा भी है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, किधर से करेंगे, हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स हैं, लेकिन दिल्ली हमारा घर है, लेकिन वो बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर यह मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली है। ममता ने अपनी मुलाकात में कोविड-19 के हालात से लेकर वैक्सीन की मांग को लेकर तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कह दी हैं।